महाराष्ट्र में एक बार फिर से हलाल और झटका मीट को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस बार हलाल मीट पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कड़ा एतराज जताया है। एमएनएस मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मुद्दे के बाद अब हलाल मांस के खिलाफ एक अभियान की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, एमएनएस ने हलाल मीट को लेकर एक गंभीर आरोप भी लगाया है। पार्टी का कहना है कि हलाल मीट से आने वाले धन का उपयोग आतंकवाद का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, प्रूफ आपको मैंने दिए हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल इसके आए हैं, वो आर्टिकल को सामने रख के हम लोग ये स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये हमारा खुद का स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें कोई ऐसे हमारी एमएनएस की ये मांग नहीं है कि इसको बैन करो या बायकॉट करो, लेकिन हर शॉप में जिधर जिधर ये हलाल का मीट और हलाल के अदर वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिलते हैं, उधर अलग अलग काउंटर होने चाहिए। वो काउंटर हलाल का अलग होना चाहिए, झटका का अलग होना है। और किसको क्या लेना है, वो जिसको जे लेना है वो उसका स्वतंत्र है। वो लोकशाही ने दिया हुआ हमेशा वो फंडामेंटल राइट है। तो जिसको, लेकिन आप पब्लिक को बाइफरकेट करके वो दिखाना चाहिए, यही हमारी मांग है। आगे चल के हम बहुत सारे कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, उनको हम लोग एक पत्रक देने वाले। इस ये जो हलाल है और ये झटका है, वो एक्चुअली क्या है उसके बारे में उस पत्रक में हम लिखेंगे और उसमें वो पत्रक उनको दिया जाएगा। पब्लिक में भी अवेयरनेस के लिए पत्रक निकालेंगे, व्यापारी लोगों को का भी हम लोग मीटिंग लेके उनको ये समझाएंगे। उस पत्रक में हम लोग एक अल्टीमेटम देंगे, उस अल्टीमेटम तक उन्होंने इसमें सुधारणा नहीं लाई तो मनसे का आंदोलन आगे कैसे होता है आप सबको पता है। उस तरह से आगे की हमारी स्ट्रैटेजी है। ये एक दो दिन में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। उसको जड़ से निकाल उखाड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम भी हम देंगे और उस वैसे वैसे हम करेंगे। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, जिस कंट्रीज में 5-6 कंट्रीज है ऑलरेडी इनको बैन किया है। वो कंट्रीज ने उन्होंने उनके जो उधर की जो विधि मंडल है उसके ऊपर कलमा पढ़ते हैं, उनके जो मंत्र है वो पढ़ते हैं और वो काटते हैं, तो वो पवित्र हो जाता है, मीन्स हलाल हो जाता है। हलाल के विरुद्धार्थी शब्द है हराम, तो वो जो वो झटका पद्धति है वो उनको हराम लगती है। ठीक है, वो रिलीजियस है, सालों से चालू है, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में 15% मुसलमान हैं, बाकी के सारे अन्य धर्मी हैं, जिसमें हिंदू है, सिख है और क्रिश्चियन लोग भी हैं, जो झटका मीट ही खाते हैं। तो अभी ये जो इस्लामिक संस्था है, जो अरब कंट्री के लिए अपने देश से जो भी चीज़ है, मीट ऐसे नहीं, बाकी शाकाहारी प्रोडक्ट भी है जो एक्सपोर्ट होती है, 25,000 रुपये लेते हैं, 500 रुपये पर प्रोडक्ट प्लस GST। हलाल लोगो प्रिंटिंग के लिए 20,000 पर ईयर। ये सब चार्जेस जो है, रिन्यूअल चार्जेस 50,000 रुपये और 1,000 रुपये कम किया है, थोड़ा 1,500 का 1,000 रुपये कर दिया रिन्यूअल में, और रिन्यूअल फीस में 1 ईयर के लिए 20,000 की है, 60,000 का और 500 रुपये, 1,000 का 500 रुपये। ये सब जो रेवेन्यू जमा होता है, इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? जब तक वो एक्सपोर्ट के लिए था तब तक ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट से ये सर्टिफिकेशन जो फीस कलेक्ट करते हैं और उसका जो रेवेन्यू आता है, वो सब ये इस्लामिक संगठना के पास जाता है। और ये इस्लामिक संगठना दिखाने के लिए ऐसे कहती है कि हम लोग एजुकेशन एंड ये गरीबों के लिए ये अलग अलग स्कीम है, वो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोग जो आतंकवादी लोग है, दहशतवादी लोग है, उनकी जो लीगल केसेस है, उस लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, हमारा जो मेंबरशिप ड्राइव था, उस ड्राइव में बहुत सारे हिंदू व्यापारी है और ये वाल्मीकि समाज के लोग है, खाटी के लोग है, उन्होंने हमें ये उनकी जो दिक्कतें है वो बताई, तभी हम उसमें डीपली स्टडी किया तो हमें ये पता चला, तो हम लोगों ने ये मुद्दा ले लिया। उसमें क्या है, पहले क्यों नहीं लिया, अभी क्यों नहीं, ये मायने नहीं रखता है ना। सर, आपने जिस तरह से टेरर फंडिंग की बात केदार सर आपने जिस तरह से टेरर फंडिंग की बात की, क्या आप मांग करेंगे इस पे एजेंसी भी आके जांच करे कि क्या है? सुनो, आगे चल के मैं वही बोला, हमारे कुछ स्टेप्स हम लोगों ने तय किए,
एक बार ये होने के बाद कंपनीज को लेटर वगैरह ये जो हमारी जो सब स्टेप्स है उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी लेटर देने वाले हैं कि भाई ये पैसा ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं तो कर रहे तो उसका ऑडिट तो होना चाहिए और कहाँ कहाँ से आता है कहाँ जाता है उसकी जांच होने से इंक्वायरी लगा ये सब हम लोग करने वाले। और रहा आपका मुद्दा बेरोजगारी से, हर मार्केट में जिधर जिधर ये कटिंग होता है अगर हलाल का मीट ही कट होता है तो उधर मुस्लिम ही लगता है तो मुस्लिम कसाई उधर काट सकते हैं। तो झटका मीट काटने वाले जो वाल्मीकि समाज के लोग है खाटिक समाज के लोग है वो तो बेरोजगार हो गए ऑलरेडी तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए झटका काउंटर चालू होने चाहिए तो उनको रोजगार मिलेगा। और इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण व्यापारी सेना उसमें इनिशिएटिव ले रही है, आगे चल के हम लोग झटका काउंटर की चेन खड़ी करने वाले हैं जहाँ से लोगों को हम बोलेंगे कि हलाल मत लो झटका लो, लेकिन झटका भी अवेलेबल मार्केट में होना चाहिए, वो अवेलेबिलिटी भी लोगों को देने की हमारी तैयारी चालू है। हलाल सर्टिफिकेशन लगता है तो हलाल सर्टिफिकेशन जिस प्रोडक्ट को मिलता है वही वो एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इसीलिए वो अरब कंट्री के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर हो या एक अपने फूड मिनिस्टर हो उनको कांटेक्ट करके उन्होंने शुरू में कहा कि ये हाँ ऐसा ऐसा है हमारा एक धार्मिक मुद्दा है तो हम हलाल के बिना कुछ खाते नहीं, तो इसीलिए हमें ये हमारा सर्टिफिकेशन देने के लिए हमें परमिशन दीजिए। तो परमिशन एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई है। तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक मार्केट में ये सर्टिफिकेट देने के लिए पूछकर इसमें विवाद हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं एमएनएस के लोग ताकि उसको पोलराइज किया जाए, वोट बैंक के तरीके से एमएनएस कर रही है। बिल्कुल भी नहीं सुना नहीं सुना ये ऐसा है वो क्यों कह रहे हैं इसके पीछे आप भी कुछ रीजन होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इधर बैठे हैं जितने भी लोग बैठे हैं जो हम लोगों ने आपको समझाया, आपको ऐसा लगता है क्या कि आप समझने के बाद भी आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदेंगे क्यों खरीदें? अगर उससे मैं बोल रहा हूँ ये खाली धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को कब्जा करने का इनका षड्यंत्र है। अगर ये करने देंगे और उस रेवेन्यू से भारत के ऊपर ही आतंकवाद करने वाले लोगों के लिए ये रेवेन्यू यूज करने वाले करते हैं तो वो चुपचाप बैठ के देखने का। सर आपने प्रोडक्ट की बात की जिस तरह से आप कह रहे कि जो हलाल जो है कई प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है तो ये मुद्दा अभी क्यों उठाया जा रहा है, क्या पहले भी काफी पहले उठा सके था कि इस तरह की चीजें? महाराष्ट्र नवनिर्माण व्यापारी सेना हमारी लॉकडाउन के पहले हो गई जी सर, बाद में लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में कुछ कर ही नहीं सकते थे और करना भी उचित भी नहीं था। लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया है और अभी ले रहे हैं।